नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसान आंदोलन से अब जुड़ेंगे महाराष्ट्र के किसान भी। निरंकुश सत्ता के खिलाफ एक जुनूनी संघर्ष। ग्राउंड रिपोर्ट। तीखे तेवर से लैस महिला किसानों के साथ है संगठन की शक्ति। हमारी चौथी और आखिरी खबर कोरोना अपडेट से। देश में आज तकरीबन 6 महीने बाद 20,000 से नीचे आए कोरोना के नए मामले। सोमवार को मुख्य रूप से ठाणे, पालघर, रायगढ़, पश्चिमी महाराष्ट्र, अहमदनगर और मराठवाड़ा के किसान नासिक में एकत्र हुए, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद के राघेश ने मार्च को हरी झंडी दिखाई। गोल्फ ग्राउंड से वे रात में रहने के लिए उसी जिले के चंदवाड़ पहुंचे। जीप, टेम्पो और बसों सहित सैकड़ों वाहन नासिक से एक कतार में निकल गए। महाराष्ट्र में किसान आंदोलन में 40 से अधिक किसान और कृषि श्रमिक संगठन संयुक्त रूप से भाग ले रहे हैं। चल रहे आंदोलन के हिस्से के रूप में इन यूनियनों ने हजारों किसान और कृषि श्रमिकों को वाहन मार्च में दिल्ली में भाग लेने की व्यवस्था की है। एक बार जब वे पहुंचेंगे तो वे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। आइए देखते हैं न्यूज क्लिक की यह ग्राउंड रिपोर्ट। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 26 दिन दिल्ली के आसपास में लाखों किसान इतनी सब ठंडी में वहाँ रुके हैं। 33 हमारे किसान शहीद हुए हैं दिल्ली के आजू बाजू में, लेकिन अभी भी मोदी सरकार को इसके बारे में कुछ परवाह नहीं है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, हम किसान हैं, शांततापूर्ण तरीके से और जो कॉन्स्टिट्यूशन की चौकट है उसके दायरे में रह के आंदोलन कर रहे हैं। 25 दिन हो गए हैं, 30 से ज़्यादा किसानों की बलि इस आंदोलन के दौरान चढ़ चुकी है, तो बहुत ही दर्दनाक ये सब बातें हैं। आज देश का अन्नदाता अनशन पे है, आज से अनशन की भी तैयारी पूरे देश के किसानों ने की है, नेतागण कर रहे हैं, तो देश के लिए और देश की सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। मोदी सरकार 2014 से आज तक किसानों का जो दाम है वो दुगना करने की बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन जो उसका हमी भाव MSP मिलना चाहिए उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। और MSP निश्चित होना चाहिए, MSP के बाद वो माल जो है वो खरीद का यंत्रणा भी तैयार होना चाहिए, और उसके बाद जो वो खरीद की यंत्रणा अमल नहीं करता उसको सज़ा भी होनी चाहिए। ये तीनों बात की इकट्ठा होके अमल होना चाहिए। ये नहीं करेंगे तो किसानों को संरक्षण नहीं मिलेगा, और ये नहीं मिलेगा तो किसानों की बाजू में हम खड़े होने से कोई होने वाला नहीं है। आम्ही मागे पण असं राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन केले होतं, तर आम्हाला पूर्णपणे त्याच्यामध्ये सहकार्य झालं आणि यश पूर्ण मिळालेलं, तर आज तेच आमचं हे कार्य आहे, तेच ध्येय आहे का आज आम्हाला केंद्र सरकारच्या विरोधात तो लढा करायचा आहे, आणि आज पण आम्ही ते मागे जे यश आले ते आम्ही मिळवणार, एवढं मी बोलते। हम ये चाहते हैं कि मोदी सरकार ने तुरंत ये कानून रद्द करने चाहिए, तीनों जो कृषि कानून है, और उसके साथ में ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो रद्द करना चाहिए, और MSP का कानूनी अधिकार हमारे पूरे देश के किसानों को मिलना चाहिए, ये तुरंत उन्होंने करना चाहिए। और अगर नहीं किया तो जैसे आज महाराष्ट्र से हजारों किसान दिल्ली में शामिल होने के लिए यहाँ से जा रहे हैं, पूरे देश भर से एक बहुत बड़ा ये संघर्ष ऑलरेडी फैला है पूरे देश भर में, वो बहुत महंगा गिरेगा ये BJP और मोदी के सरकार के लिए। रेलवे बंद थी, इसके लिए दिल्ली के बाजू के जो राज्य थे उनको छोड़ के दूर दराज के राज्य वहाँ पे नहीं आ पा रहे, लेकिन महाराष्ट्र ने पहली कदम किए है। हम रेलवे से आगे हट के वाहनों को इकट्ठा करके एक व्हीकल का जत्था निकालने का मार्ग पूरे देश के सामने रख रहे हैं, और हम अपील कर रहे हैं अलग अलग संगठन और देश के किसानों को कि हमारे जो भाई दिल्ली में लड़ रहे हैं
आधार भाव के लिए लड़ रहे हैं, उपज को सही दाम मिले इसके लिए लड़ रहे हैं। 30 किसानों ने अपनी शहादत दी है, तो हम घर में नहीं बैठ सकते। व्हीकल जत्था निकाल के हर राज्य से लोग वहां पे पहुंचे, इस प्रकार का हम आह्वान करेंगे और ऐसा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। पंजाब के विख्यात कवि अवतार सिंह संधु पाश की क्रांतिकारी कविताओं और उम्मीदों के सहारे फरीदकोट का एक किसान साइकिल से करीब 400 किलोमीटर की यात्रा करके नए कृषि कानूनों का विरोध करने, किसानों का समर्थन देने के लिए दिल्ली की सीमा टिकरी बॉर्डर पर पहुंच गए। किसान पाल संधु पंजाब के फरीदकोट जिले के रामिना गांव के रहने वाले हैं। वह सोमवार को दिल्ली हरियाणा सीमा के निकट प्रदर्शन स्थल पर किसान नेताओं का भाषण सुन रहे थे। उनकी साइकिल पर कई तख्तियां टंगी हुई थी जिन पर पाश की कविता सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना की पंक्तियां पंजाबी में लिखी थी। उनकी सजी हुई साइकिल वहां से गुजर रहे प्रदर्शनकारियों का आकर्षण केंद्र रही। पाल संधु ने कहा, मैं घर पर बेचैन था और खुद को साथी किसानों की हालत का पता करने से रोक नहीं सका। ये किसान साझा लक्ष्य के लिए कड़ाके की ठंड में कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मेरा भाई भी कुछ दिन पहले एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आया था जो कि टिकरी बॉर्डर पर ही है। मैंने भी यहां आने का निर्णय लिया और साइकिल से आ गया। फरीदकोट के किसान ने बताया कि वह 19 दिसंबर की सुबह 8 बजे अपने घर से निकले थे। हमारी तीसरी खबर ग्राउंड रिपोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह ने दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर 23 से 24 दिनों से डटी महिला किसानों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह से जुझारू किसान यूनियनों ने उन्हें दिल्ली कूच करने के लिए तैयार किया और किस तरह से वे अपने बच्चों के साथ अपने हक की मांग के लिए मोर्चे पर बैठी हैं। आइए देखते हैं। 7 साल हो गए अग्राहा जथेबंदी नाल साडा लिंक जुड़े नू, इस करके असी इस जथेबंदी जाके बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ सीखना अगे साडे लई बाकी है। तो हुण दिल्ली सानू इस करके आना पिया कि मोदी सरकार ने साडियां जड़ां च दाती पा ली, क्योंकि असी आपदी उह जड़ां चों दाती कढ़ाउण वास्ते आपदा पंजाब छड के इस दिल्ली च इस मोदी सरकार नू मूँह तोड़ जवाब देण आया, क्योंकि मोदी सरकार साडी खेती हाड़ी सौनी आलू मटर प्याज जिन्नी भी असं अनाज आपके खेत च पैदा करते हैं तो सानू उहदा कोई पूरा मुल नहीं मिलता। आपके घर में क्या खेती होती है? हुण हाड़ी सौनी, पहला असी खेती करते थे मिर्चा आलू मटर, क्योंकि सरकार का बेड़ा बैठ गया। मैं एक किसान की धी हाँ, एक किसान की पत्नी हाँ, मैं खुद दिहाड़ना दे नाल मजदूरों के नाल आपके खेत च कम करया। 10 किले आलू असी ने लाए क्योंकि सानू पूरा मुल ना मिले आलू का। असी ने पिपली जाके आपदिया ट्रालियां ढेरी करके आया आलूआ दिया, क्योंकि साडा आलू 2 रुपये किलो भी नहीं बिकया। जो आलू आलू जो बेचा वो 2 रुपये किलो मिल रहा, 2 रुपये किलो बेचा नहीं सीटिया पिपली शहर दे विच जा। आपने फेंक दिया वहां पर? फेंका, बेचा भी नहीं, फेंका कहांगे 2 रुपये किलो का। इस करके हुण जेड़ा प्याज ते आलू सिखरां ते पहुंचा होया है, जद किसे किसान दे खेत च हुंदा है तां सानू पूरा मुल क्यों नहीं मिलदा। अच्छा, एक बार बताइए कि आपने कहा कि आप इस जत्थेबंदी के साथ जुड़ी उग्रहा के साथ, क्या सीखा और क्यों जुड़ी? क्या पूरा का पूरा गांव इसी के साथ है? सीखा इसलिए क्योंकि साड़ी किसानी है जड़ी, साड़ा किसी भी वर्ग का नुकसान होता है, साड़ी इस जथेबंदी का पूरी पूरी सपोर्ट है, पूरा पूरा सहारा है, तो असं हक सच दे लड़न वाले हाँ। अते कहने होंदे ने साडा सिर जावे तां जावे, साडा सिखी सिदक ना जावे, पर जिहड़ी साडी खेती है असी ये नहीं जान देवांगे। जिहड़ी साडी खेती है साडी होंद है, साडी जथेबंदी नाल बचूगी, नहीं साडी खेती नहीं बचूगी। अच्छा, ये बताइए कि मोदी सरकार अभी तक यही बोल रहे हैं कि किसान को समझ नहीं आ रहा है, हम ये उसके फायदे के लिए लाए हैं। आप एक औरत हैं, एक किसान है, औरत किसान है, महिला किसान है, आपको क्या मुश्किल है इससे? मैं एक किसान की बेटी हूँ, एक किसान की पत्नी हूँ। अगर असी खेती करते हैं कि एक किन्ना लोगों को समझाने की गल करता जेड़े सदियों तो इस खेती नाल जुड़े हुए ने, ये वो लोग ने जिन्हां नूं ये नहीं पता कि कही का टक किवें बजदा है, कणक का बी किन्ना पैंदा है, झोना पैदा किवें हुंदा है, नरमा पैदा किवें हुंदा है, ये सानूं समझाउण लगे ने। असीं कहने कि असीं ये समझ चुके हैं, ये कानून साडे फायदे दे नहीं, ये कानून कारपोरेट घराणियां लई लैके आए हैं, इन्हां कानूनां ने अवानियां ते अडानियां नूं फायदा करना है, ये कानून साडे फायदे दे नहीं, नहीं चाहिए सानूं ये कानून।
अच्छा ये बताइए कि आप इस यूनियन से जुड़ी हैं, जत्थेदारी से जुड़ी हुई हैं, इससे कब से जुड़ी हैं, क्या फ़ायदा रहा? देखो जत्थेबंदी चोना जत्थेबंदी च आके बहुत कुछ सीखना ये अनसर की लोड़ है। जिहो जिहा राह सरकार ने पहनाया होया है असी इस राह ते आए हैं कि इको एक राह संघर्षों का राह, इस संघर्ष तो बिना साडा सरना नहीं हैगा। अज जिन्ने लोग इत्थे बैठे ने ये आपदी होंद नूं बचाउण लई बैठे ने, इस करके कि सरकारां साडे ते राज करदियां ने, राज उह डंडे दे जोर गोली दे जोर ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੇ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਭਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। अच्छा ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है, बच्चे कितने हैं और वो लोग कहाँ हैं? मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। बेटा आईलेट्स कर रहा है सरदूलगढ़ सरसे कोल। घरे मेरे कल्ले पति ने, पशु भी है, जमीन भी है। कितनी जमीन है आपके पास? जमीन 2 एकड़ है। इस करके कि अज जिहड़ी किसानी वह बिल्कुल मर चुकी है। जिहड़े इह कानून ने असीं उन्हां कम्मां नूं समझदे आ कि जे साडी खेती रहूगी तां साडे कम्म रहणगे, जे साडी जमीन ना रही साडे कम्म नहीं रहणे, असीं भी उस खेती नाल जुड़ियां होईआं। जे साडे मर्द खेतां च कम्म करदे ने असीं घरे कम्म करदियां हैगियां। इस करके अज इस समझ नूं लै के बच्चा बच्चा मैदान च उतरिया होया। अभी घर कौन संभाल रहा है आप यहाँ पर? घर मेरे पति संभाल रहे हैं और बहने हैं वह संभालती है नाल। एक महिला जब घर से बाहर निकलती है झंडा हाथ में उठाए, तब उसके साथ उसका पूरा परिवार निकलता है। और यहाँ पर भी टीकरी बॉर्डर में हमें तमाम बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो यहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं, माँ के साथ कदम मिलाकर तीनों कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ और समझदारी को बुलंद कर रहे हैं। यहाँ क्या क्या सबसे अच्छा लगता है? हमें सबसे यहाँ पर अच्छा धरने में आना, उनके विचार सुनना, जो वो कहते हैं हम उनसे समझते हैं, अपने जो जिनको नहीं पता लगता जो अनपढ़ है उन्हें समझाते हैं कि हमें ऐसे इस लहर के साथ जुड़ना चाहिए। हम सभी को समझाते हैं, हम यहाँ पर आते हैं। क्लास के कुछ और दोस्त आए हैं क्या? नहीं, क्लास से कोई नहीं आया। खाली तुम आए अकेले? जी, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्हें नहीं पता इतना अभी इसके बारे में। हम उन्हें बताते हैं, वो कहते हैं कि हम ज़रूर आएंगे। पहली बार आए आप दिल्ली? हाँ जी, पहली बार आए हैं। कैसा लगा दिल्ली आपको? दिल्ली का तो मंदा ही माहौल है जी। मंदा माहौल है? हाँ जी। कोई सुन नहीं रहा? हाँ बिल्कुल, कोई सुन नहीं रहा। कोई सुन नहीं रहा किसानों के बारे। जो समझ ले मोदी ने कानून लिया है किसानों से वो बिल्कुल खिलाफ है, तो वो साढ़े बच्चों के लिए बिल्कुल खराब खिलाफ है। तो जेड़े समझ ले खर्चे बधाए हैं इनू, जो बिजली बोर्ड प्राइवेट करी हैं, तो स्कूल प्राइवेट करी हैं, ये अस साढ़े छोटे किसानों के लिए हानिकार है। हम सरकारी स्कूल बढ़ते हैं, सरकारी ग्रेड बढ़ते हैं, हर एक चीज़ हर सरकारी बढ़ते हैं। असी खर्चे होट नहीं सकते जितने मोदी साहब ने काटे ने। ये बिल जो किसान ते कानून लियांदे ने गलत लियांदे ने, इन्हां कल्ला एक किसान नहीं था, किसान हर एक पब्लिक का पेट भरने वाला थी, कमाई करने वाला थी। अगर ये साढ़े माफक नहीं है कानून जो मोदी साहब ने लिया है। आपको क्या लगता है मोदी सरकार क्यों नहीं सुन रही है आपकी? मोदी सरकार क्या दानी वानी के पंजांचे चढ़ी हुई है? क्या की हुई है? चढ़ी हुई है जी सर, वो दे दानी मानी के पंजांचे। हाँ। बिकी हुई है गवर्नमेंट सरकार, मोदी सरकार बिकी हुई है जी बिल्कुल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार यानी 22 दिसंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में आज तकरीबन 6 महीने बाद 20,000 से कम यानी 19,556 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से 301 मरीजों की मौत हुई है।
साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित 30,376 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में से आज 11,121 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 1,75,116 हो गई है, जिनमें से अब तक 1,46,111 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.64% हो गया है, यानी अब तक 96,36,487 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 2.90% यानी 2,92,518 हो गई है। खबर मुंबई से भी है, जहां पुलिस ने सोमवार देर रात को मुंबई हवाई अड्डे के पास एक क्लब पर छापेमारी की और कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन के आरोप में 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने इस बारे में बताया, ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्वरूप के प्रसार को लेकर बड़ी चिंताओं के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को ऐतिहासिक कदम के तहत नगर निगम क्षेत्र में रात में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। इसके बाद पुलिस का यह कदम सामने आया। पुलिस ने सूचना मिलने पर हवाई अड्डे के पास शहर इलाके में क्लब पर देर रात करीब 2 बजे छापा मारा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने क्लब में मौजूद 27 लोगों और 7 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। हालांकि सभी को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। बीएमसी के आयुक्त आईएस चहल ने सोमवार को बताया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक वित्तीय राजधानी में 5 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।